नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। 10 मई को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव होने हैं। तीनों प्रमुख दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली है। इसमें अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय, जातीय और धार्मिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार लिंगायत समुदाय से उतारे हैं, जबकि जेडीएस ने वोकालिंगा जाति के नेताओं को सबसे अधिक टिकट दिए हैं। तीनों दलों के टिकट वितरण का विश्लेषण करने से पता चलता है कि तीनों ही दलों ने जातीय समीकरणों को खासा ख्याल में रखा है। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारा, जबकि सबसे ज्यादा टिकट लिंगायत समुदाय को ही दिए गए हैं। इस समुदाय के करीब 30% टिकट दिए गए हैं। उसमें उलट कांग्रेस ने 15 मुस्लिमों यानी 7% टिकट दिया है। लिंगायतों को कांग्रेस ने कुल 23% टिकट दिए हैं। राज्य में लिंगायतों की आबादी करीब 17% है। जेडीएस ने सबसे ज्यादा 22% टिकट वोकालिंगा समुदाय को उम्मीदवारों को दिया है, जबकि कांग्रेस ने 20% टिकट वोकालिंगा समुदाय के लोगों को दिया है। राज्य में वोकालिंगा समुदाय की आबादी करीब 14% है। बेंगलुरु के आसपास करीब 28 में से 27 सीटों पर वोकालिंगा समुदाय का ही दबदबा माना जाता है। साल 2018 में बीजेपी ने 78 लिंगायत बहुल सीटों में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा विक्कालिंगा बहुल 44 सीटों में से 12 सीट जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीएस ने इसमें 22 सीटें जीती थी और वोकालिंगा समुदाय की 37.1% वोटों पर कब्जा किया था। बीजेपी ने अनुसूचित जाति से सबसे ज्यादा 38, कांग्रेस ने 36, जेडीएस ने 31 उम्मीदवार उतारे। एसटी समुदाय ने भी सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने दिए थे। बीजेपी ने इस समुदाय में 30%, कांग्रेस ने 23% और जेडीएस ने 14% उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस के 15 मुस्लिम चेहरों के मुकाबले जेडीएस ने 20 चेहरे को मौका दिया। राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 13% है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।